हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग फ्राइडे इवनिंग थोड़ा सा आउटिंग के लिए जा रहे हैं, हमारे काफी सारे फ्रेंड्स भी हैं साथ में, तो हो सकेगा तो मैं उनसे मिलाऊंगी अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो। और हम कहाँ जा रहे हैं मिस्टर सिंह, वो भी बता दो। हम लोग जा रहे हैं स्वामी नारायण टेम्पल जो है कालूपुर में, उसके 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। वहाँ पे एक अडालज में त्रिमंदिर है, उसके बगल में उन्होंने एक फंक्शन रखा, उन्होंने सेलिब्रेशन के लिए किया हुआ है। स्वामी नारायण मंदिर को 200 साल जो कालूपुर में टेम्पल है वहाँ पे, तो 200 साल उसके पूरे हुए हैं, तो उसके सेलिब्रेशन में छोटा सा मतलब वो डेकोरेशन वगैरह किया है। हेलो हेलो करो, मेरे ब्लॉग चल रहा है, मेरा ब्लॉग हेलो सही है। चलिए फिर वहाँ चल के आपसे बात करते हैं। चलिए, तो ये थी वहाँ की एंट्री, और ये आर्टिफिशियल डोर बनाया था, मतलब ये जो है सब कुछ कपड़े से बनाया गया था, और डिज़ाइन वगैरह ऐसे दी थी जैसे लग रहा था मतलब सीमेंट वगैरह, मतलब प्रॉपर एक वॉल है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जैसे दुर्गा पूजा वगैरह में पंडाल वगैरह बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे अंदर एक पूरा गांव जैसा बसाया हुआ था, मतलब पूरा एक विलेज वाली फील दे रहा था, मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के सारी चीज़ें, घास, पेड़ पौधे और चूल्हा, मतलब गाय वगैरह जो भी है, पूरा एक गांव का फील दे रहा था वहाँ पे एंटर करते ही। ये ऐसे छोटे छोटे फाउंटेन डेकोरेशन के लिए जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मतलब पानी से रिलेटेड जो डेकोरेशन होती है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये पर्व मनाया क्यों जा रहा था, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया, अहमदाबाद के कालोपुर में एक स्वामीनारायण मंदिर है जिसे पूरे 200 वर्ष पूरे हुए थे, जिसकी खुशी में ये पर्व मनाया जा रहा था, और इस थीम का नाम पर्व रखा गया था, जो कि मतलब बहुत सही सोच समझ के रखा गया था। ये एक पर्व जैसा ही लग रहा था वहाँ पे, जिस तरीके से सब कुछ सजाया था और जो सारी अरेंजमेंट्स थी वो सब कुछ काफ़ी अच्छी लग रही थी, और मतलब एक छोटी छोटी चीज़ भी वहाँ पे इतनी खूबसूरत लग रही थी। हाँ, बस ये था कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम उतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए जितना हम अगर 2 दिन पहले गए होते तो कर लेते, बट स्टिल अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छी थी। इतनी भीड़ को कंट्रोल करना और पूरा मतलब मैनेज करना, और साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा थी, मतलब इतनी भीड़ होने के बावजूद वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे हस्तकला एवं प्राकृतिक पदार्थ वगैरह मिल रहे थे जो जाके वहाँ पे ख़रीद सकते थे, देख सकते थे वगैरह वगैरह, और वहाँ पे लाइव शो भी हो रहा था जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ की ये जो थीम थी पर्व और ये डेकोरेशन वगैरह, आप सबको कैसा लगा वो भी हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमें तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ जाके। और एक तो फ्रेंड्स भी थे ना सारे, तो एक मतलब 8-10 लोग साथ में हो तो कहीं जाओ तो वो चीज़ और भी स्पेशल बन जाती है, अगर आप किसी स्पेशल फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। टोटल 200 हवन कुंड बनाए गए थे जहाँ पे हवन हो रहा था, ये मतलब एक साथ मंत्र का जाप और ये एक साथ इतने सारे हवन, वो भी काफी अच्छा था। 1 hour later इट्स डिनर टाइम, तो जैसी जगह से हम आए थे वैसे ही जगह हमने डिनर के लिए भी सेलेक्ट करी थी, देसी बिल्कुल ठाट वाले। हाय हाय,
भाई अब हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में बढ़िया सा डिनर करने सबके साथ। ओ वाह, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, गांव का लुक। और ये डोर, बाय।